नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हिंदी में जो वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर जो हमारा जो सेट और रिलेशन था, समुच्च और संबंध, उसमें हम लोगों ने सेट को कंप्लीट कर लिया है। यानी समुच्च की जितनी भी थ्योरी थी और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, DSSS, PGT, आपका KVS या NVS या जहां भी अगर TGT और PGT के सिलेबस के एग्जाम होते हैं, वहां पर जहां भी क्वेश्चन हमारे सेट से बनते हैं, वो हमने पीछे क्लास में कर लिए। आज की क्लास में हम इसका जो सेकंड पार्ट है यानी संबंध रिलेशन, इससे संबंधित जो हमारी डेफिनेशन है उनको पकड़ेंगे और वो कवर करने के बाद हम लोग जो है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो संबंध में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो क्रमित युग्म क्या है भाई? एक विशिष्ट प्रकार का हमारा क्रम है जिसमें हम लोग वस्तुओं को लिखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो वस्तुओं का हम युग्म बना रहे हैं, मतलब जो पेयर बना रहे हैं, उसको हम लोग एक विशिष्ट क्रम में लिखेंगे और वही हमारा कहलाएगा क्रमित युग्म, ठीक है। अब इसको हम लोग समुच्चय से अगर रिलेट करें, सेट से रिलेट करें, तो हम मान लेंगे यहां पर कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और उसके हम जो क्रमित युग्म बनाएंगे उसको हम लोग ए कॉमा बी से दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए कॉमा बी, ये हमारा क्या है भाई? दो वस्तुएं हैं या दो अवयव हैं और इनका हमने क्या बनाया है? एक क्रम में युग्म बनाया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। कंडीशन क्या है? ये दो समुच्चय से मिलकर बना है, जहां पर पहला जो हमारा अवयव है वो हमेशा समुच्चय ए से रहेगा और जो दूसरा अवयव है वो हमेशा समुच्चय बी से रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये समुच्चयों का क्रमित युग्म है, ठीक है। ऑर्डर पेयर किसका है? सेट का है। वैसे तो सिर्फ क्रमित युग्म की अगर परिभाषा की बात करें तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एक विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तुओं का युग्म, लेकिन जब उसको हम समुच्चय से रिलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा युग्म जिसमें पहला अवयव सदैव पहले समुच्चय का होगा और दूसरा अवयव सदैव दूसरे समुच्चय का होगा, तो ऐसे क्रम को हम लोग क्रमित युग्म कहेंगे। तो बेसिक सी डेफिनेशन थी लेकिन जाननी जरूरी थी, ठीक है। अगले डेफिनेशन पर देखते हैं हमारी क्या है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। इस चैप्टर के और ज्यादातर जगह पर हमारे 90% क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे, ठीक है। मतलब रिलेशन का मतलब ही जब हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में तो सारा चीज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही पढ़ेंगे। देखिए, हमने क्रमित युग्म तो पढ़ लिया कि क्रमित युग्म एक ऐसा युग्म है जिसमें पहला अवयव ए का हो और दूसरा अवयव बी का हो, दो समुच्चयों का हो, ठीक है। तो जब हम लोग दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालने जाते हैं, इसका मतलब दो समुच्चय तो हमें लेने ही लेने हैं, तो इसको हम लोग दिखाते हैं ए और क्रॉस बी से, ठीक है। कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से, ये क्या होता है? ये उन सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है, मतलब जितने ए और बी को मिलाकर आप जितने क्रमित युग्म बना सकते हैं उन सभी को बनाकर आप लेकर क्या करिए, एक समुच्चय बना दीजिए, सच दैट जहां पर पहला अवयव सदैव आपको ए से लेना है और दूसरा अवयव सदैव आपको बी से लेना है, ठीक है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। तो जब भी तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन के क्या बारे में क्या बोला गया कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का हमारा क्या है? समुच्चय है जो हमारे जिसमें पहला अवयव सदैव ए का हो और दूसरा अवयव सदैव बी का हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, बहुत जगह पर काम आएगी, तो अच्छे से इसको समझ लेंगे। अब क्या बात आती है कि कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या क्या होती है, ठीक है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं किन्हीं दो अवयव को मिलाकर, तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं, मतलब ये जो हमारे क्रमित युग्म बन रहे हैं ये कितने बनेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें हमारे अवयवों की संख्या है पी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए, एनए बोल सकते हैं, गलत संख्या बोल सकते हैं, वो कितनी है? पी है। इसी तरह एक हमने समुच्चय माना बी जिसमें हमने अवयव की संख्या क्या मान ली है? क्यू मान ली है, इसको हम एन बी से लिखा सकते हैं। तो जब ए और बी को हम लोग मिलाकर इसका कार्तीय गुणन बनाने जाएंगे, मतलब ए क्रॉस बी, तो उसमें जो हमारे अवयवों की संख्या होगी, यानी इसको हम एन ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको, तो क्या होगा भाई? ये हमारा हो जाता है पी इंटू में क्यू, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया है भाई, जैसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि कुछ जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो पहला हमने क्या देखा कि कार्तीय गुणन हमारा होता क्या है, उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास कार्तीय गुणन दिया हुआ है तो अगर हमारे पास दो समुच्चयों का दिया होगा भाई,
तो दोनों समुच्चयों में हमें पहले समुच्चय का भी अवयव पता होंगे और दूसरे समुच्चय के भी अवयव पता होंगे। तो उनका जब हम निकालने जाएंगे कि ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन का जब आज हम निकालने जाएंगे तो वो जो हमारे ए के समुच्चय होंगे और जो हमारे बी के समुच्चय होंगे उन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कार्तीय गुणन का ग्राफ निरूपण। तो ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं, इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ए समुच्चय लिया जिसमें हमारे अवयव हैं 1, 2, 3। एक हम लोग बी समुच्चय ले लेते हैं जिसके अवयव हम मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहली बात तो कार्तीय गुणन बनाना है। कार्तीय गुणन कैसे बनता है, ए क्रॉस बी, जहां पर हमने कहा था कि ए कॉमा बी मतलब एक क्रमित युग्म बनाना है जहां ए सदैव ए से लेना और बी सदैव दूसरे वाले समुच्चय यानी बी से लेना। तो इस तरह लेकर अगर हम यहां पर क्रमित युग्म बनाए ऑर्डर पेयर तो कितने बनेंगे, तो पहले आपने ए को एक के साथ ले लिया तो एक कॉमा एक बन गया, इस एक को दो के साथ ले लिया तो एक कॉमा दो बनेगा, एक को तीन के साथ ले लीजिए एक कॉमा तीन बनेगा, फिर दो को लीजिए तो दो कॉमा एक बनेगा, दो कॉमा दो बनेगा और यहां पर एक कॉमा चार भी आएगा, ये इसके साथ भी जाएगा। दो के साथ फिर किया तो दो का एक हो गया, दो का दो हो गया, दो तीन के साथ भी हो गया और दो जो है हमारा चार के साथ भी जाएगा। इसी तरह जब हम बनाएंगे तीन का तो तीन कॉमा एक आएगा, फिर तीन हमारा दो के साथ जाएगा और फिर तीन हमारा तीन के साथ जाएगा और तीन हमारा चार के साथ जाएगा। तो इसने कुछ हमारे जो है क्रमित युग्म बनेंगे। अगर हम फार्मूला हमने जो पीछे पढ़ा था गणन संख्या वाला कि कार्तीय गुणन में कितने अवयव होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने ए में अवयव हों यहां पर कितने हैं 3 और जितने बी में अवयव हों कितने हैं 4, उनका गुणनफल ही हमारा जो है जो कार्तीय गुणन में जो अवयव की संख्या होती है उनके बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम 3 और 4 को गुणा करें तो कितना बन रहा है 12, और अगर हम यहां पर देखें तो क्या हमारे 12 अवयव बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, हाँ भाई 12 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह तो हम लोग अवयव की संख्या निकालेंगे। हमें क्या करना है, ग्राफ निरूपण करना है। बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में ग्राफ निरूपण किया है वही हमें करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर इसको क्या मान लेते थे, मूल बिंदु। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पहला अवयव जो भी हमारा पहला अवयव है उसको आप x में मान के चलो और जो दूसरा है उसको आप y पे मान के चलो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ग्राफ निरूपण करना है इस वाले युग्म का, तो यहां पर पहला अवयव किसका हो जाएगा भाई x का, मतलब x पे आपको केवल एक चलना है और y पे कितना चलना है भाई 3, 1, 2 और ये 3। ठीक है, और इसको इससे इससे काट दिया तो हमारा 1, 3, ये जो हमारा पॉइंट आ गया ये ग्राफ निरूपण हो गया। तो जो आपने कक्षा 9 और कक्षा 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें आपने सबसे पहले यही पढ़ा था भाई, भुज बनाना, कोटि बनाना और जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इसको ग्राफ पे निरूपण करना, वही यहाँ पर हमारा कार्तीय गुणन के जो है ग्राफ पे निरूपण किया गया। ठीक है, किसी भी क्रमित युग्म का आप इसी तरह जो है ग्राफ पर निरूपण कर सकते हो। इसके बाद आते हैं भाई आखिरी पॉइंट, कार्तीय गुणन पर कुछ आधारित प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये कुछ हमारे कार्तीय गुणन से संबंधित प्रश्न हैं जिनकी मदद से हम लोग जो परिभाषा सीखे हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे कि क्वेश्चन पे कैसे हमें उन्हें अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक हमें ए समुच्चय दिया है जिसमें 2 अवयव दिए हैं, एक हमें बी समुच्चय दिया है जिसमें 3 अवयव दिए हैं, हमसे कहा है ए क्रॉस बी निकालिए और बी क्रॉस ए निकालिए। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्या दिया था कि भाई ए में हमें दिया है 1, 2 और बी में हमें दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए क्रॉस बी। क्या होता था इसकी डेफिनेशन में कि जो पहला अवयव हो सदैव ए से हो और युग्म में और दूसरा अवयव सदैव बी से हो। तो एक को एक के साथ बनाएंगे तो एक एक बनेगा, एक को जब दो के साथ लेंगे तो 1, 2 हो जाएगा, फिर एक को तीन के साथ लेंगे 1, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 2 को 1 से बनाएंगे तो 2, 1 फिर 2, 2 और फिर 2, 3। तो इतने कुछ हमारे क्रमित युग्म बनेंगे। अब हम जरा फार्मूले से अगर पीछे चेक कर ले तो हमने कहा था कि ए क्रॉस बी में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो जितने ए में होते हैं और जितने बी में होते हैं उनके गुणनफल के बराबर ही होते हैं। तो ए में कितने हमें दिख रहे हैं 2 और बी में कितने दिख रहे हैं 3, तो टोटल कितने बनने चाहिए 6 और हमारे पास भी कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई छूटा नहीं, इस तरह आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हमारा क्या कहा गया है, हमें एक क्रमित युग्म किसी क्रमित युग्म के बराबर दिया गया है
और दूसरा क्रमित युग्म किसी क्रमित युग्म के बराबर दिया गया है, उसके बाद हमसे कहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए क्रमित युग्म जब बराबर होते हैं तो सदैव उनके पहले अवयव से और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है। तो यहां पर हमारा जो 2x है ये किसके बराबर हो जाएगा 6 के, और इसी प्रकार जो हमारा x प्लस वाई है ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, दो समीकरण बन गई, दो वेरिएबल में है, हल कर लेते हैं। यहां से x का मान कितना आएगा 6/2 काट देंगे तो 3 हो गया। अब ये x का मान हमारा क्या आ गया 3, इसका मान भागकर हम इस समीकरण, तो यहां से हमारा x का मान कितना आ गया 3। अब इस x का मान इस समीकरण में रख दीजिए तो x प्लस वाई बराबर कितना है 2, x का मान आया है 3 प्लस वाई बराबर 2, तो यहां से y का मान कितना आ गया उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का मान आ गया हमारा माइनस का 1। तो इसी प्रकार जो है आप ये दूसरे वाले क्रमित युग्म को भी कर सकते हो, एक बार पहले वाले को पहले के बराबर कर देना और एक बार दूसरे वाले को दूसरे के बराबर कर देना और आपको x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है x का मान आपका 2 आ रहा है और y का मान 1 आ रहा है, आप स्वयं से हल करके चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक में ए का मान दिया है समुच्चय में और बी का दिया है और सी भी दिया है, तीन समुच्चय दिए हुए हैं। पहले में कहा है कि हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पर, बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है। ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणन जो हमने सीखा था वहां पर, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय वही है यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा भाई बी और सी में, तो हम क्या करते हैं बी और सी में वो अवयव लेते हैं जो दोनों जगह पर हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन अवयवों को लीजिए तो दोनों समुच्चयों में हो। तो यहां पर हम ए के लिख देते हैं मान, ए में हमारा कौन कौन से अवयव हैं, तो ए में हमारा अवयव है 1, 2 और 3, या आप इसे भी ए ही रहने दीजिए। हाँ ठीक है भाई, तो ए का मान ही रख देते हैं, तो ए के अवयव है 1, 2 और 3, क्रॉस लगा लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो बी और सी में आप देख रहे हो कुछ कॉमन है, तो हमारे पास केवल एक ही अवयव कॉमन है जो है हमारा 4, तो बी में केवल एक अवयव आएगा। अब इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो पहला अवयव जाएगा तो बनेगा 1, 4, फिर दूसरा वाला जाएगा तो 2, 4, फिर तीसरा वाला जाएगा तो 3, 4। तो इस तरह हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड वाला कर सकते हो, पहले आप क्या निकाल लो ए क्रॉस बी और फिर क्या निकाल लो ए क्रॉस सी और फिर दोनों का क्या ले लो इंटरसेक्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, क्या होता है ए क्रॉस बी, ए के अवयव लिखिए 1, 2 और 3, क्रॉस लगाइए बी के लिखिए तो बी के है 3, 4। ठीक, अब इनका हम लोग क्या कर लेंगे कार्तीय गुणन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्रमित युग्म बनेंगे। 1, 3 बनेगा, 1, 4 बनेगा, 2, 3 बनेगा, 2, 4 बनेगा, 3, 3 बनेगा और 3, 4 बनेगा। इसी प्रकार हम लोग ए क्रॉस सी निकालेंगे, इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए ए क्रॉस सी, तो ए को सी के साथ दीजिए, तो पहले 1, 4 के साथ जाएगा, फिर 1 हमारा 5 के साथ जाएगा, फिर 1 हमारा 6 के साथ जाएगा। इसी प्रकार 2 लेंगे तो 2 हमारा 4 के साथ जाएगा, 2 हमारा 5 के साथ जाएगा और 2 हमारा 6 के साथ जाएगा। इसी प्रकार 3 लेंगे तो 3 भी 4 के साथ जाएगा, 3, 5 बनेगा और लास्ट वाला 3, 6 बनेगा। इसके बाद हमें इन दोनों का क्या निकालना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो अवयव लेना जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब दोनों समुच्चयों में हो। जैसे यहां पर ए क्रॉस बी में जो अवयव है क्रमित युग्म है हमारे, और जो ए क्रॉस सी में क्रमित युग्म है, इन दोनों में जो हमारे उभयनिष्ठ होंगे हमें सिर्फ वो लेने हैं। तो हम यहां पर निकालेंगे ए क्रॉस बी और इसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ, तो हम देखेंगे कौन कौन से क्रमित युग्म है जो हमारे एक दूसरे में उभयनिष्ठ हैं। 1, 3 नहीं है, 1, 4 है यहां दोनों जगह पर आ जाएगा। इसके बाद 2, 3 कहीं पर नहीं है, 2, 4 है आ जाएगा। 1, 4 से 1, 4 आ गया, 2, 4 भी मिल गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3, 3 नहीं है, इसके बाद बात करें 3, 4 तो वो भी हमारा है 3, 4, ये देखिए यहां पर मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो इसमें अवयव बने क्रमित युग्म में केवल 3 बने। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है जिसमें हम लोगों ने कार्तीय गुणन को सीख लिया
और कार्तिक गुणन पर आधारित कुछ प्रश्न भी देख लिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।